हाय गाइस, आज की इस अमेज़ॉन वीडियो में मैं आप लोगों को किचन गैजेट्स, किचन वेयर हाउस और प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे अच्छे लेटेस्ट कलेक्शन के दिखाने वाली हूँ, जो कि आपको सारे 50% से 80% तक की ऑफर पे मिल जाएंगे। दूसरी बात कि आप किसी भी ऑनलाइन ऐप से ये प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हो। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियोज़ आपको रोज़ मिले। अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, आप वहाँ से जाके ले सकते हो। ड्राई फ्रूट बॉक्स आपको मिल जाएगा जो कि रोटेटिंग वाला है, प्लास्टिक का बना हुआ। इसमें आप काफ़ी सारा ड्राई फ्रूट्स रख सकते हो, छिलके वगैरह का भी स्पेस दे रखा है जो कि आप बीच में छिलका वगैरह डाल सकते हो, और जो बाकी का जो बचा स्पेस उसमें आप फ़ोन भी रख सकते हैं। उसके बाद आपको लिप के शेप का यहाँ पे लिपस्टिक दिखा रही हूँ, जो कि सिमर वाली लिपस्टिक है, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। और इसका लिंक भी मैंने डाल दिया जो कि आप अमेज़ॉन से परचेज कर सकते हो, वो भी 99 रुपीज़ के अंडर में। सब्जी और फल को धुलने के लिए आपको ड्रेनिंग बास्केट दिखा रही हूँ, बहुत बढ़िया है, जिसके साथ आपको हैंडल भी दे रखा है। ये प्लास्टिक का होता है, टूटता भी नहीं है इतनी जल्दी, बहुत ज़्यादा इसकी मजबूत प्लास्टिक होती है। इसके साथ आपको दो डलियाँ मिल रही है, एक तो आप स्टेन भी कर सकते हो, ऊपर से इसमें चीज़ें भी अपना धुल के रख सकते हो। उसके बाद मैं आपको आइस मेकर मोल्ड दिखा रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में आपको मिल जाएगी। छोटे छोटे पीसेस में आप आइस के बॉल्स बना सकते हो, यहाँ तक कि आप फ्रूट्स वगैरह को भी इसमें डाल के अच्छे से मेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको वॉशिंग मशीन टॉप कवर मिल जाएगा, बहुत ही बढ़िया होता है, जो कि वाटरप्रूफ भी होता है एंड काफ़ी सारे शेड कलर में आपको मिल जाएगा, जो कि आप अपनी वॉशिंग मशीन के ऊपर टॉप में बिछा सकते हो। काफ़ी सुंदर सा सिमरी टाइप का आपको हेयर क्लॉ दिखा रही हूँ, क्लेचर बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो कि आप कहीं शादी पार्टी में जाते हो उसके लिए ले सकते हो, काफ़ी ज़्यादा फैंसी भी लगता है। किचन में सीरियल्स वगैरह रखने के लिए आपको एयर टाइट कंटेनर मिल जाएंगे, जिसमें मेजरिंग टाइप का भी दिया रहता है, सो आप इसमें काफ़ी अच्छे से अपने सीरियल जैसे चावल दाल वगैरह भर के रख सकते हो, नाप के रख सकते हो, और साथ में आपको कप दिया रहता है जिससे कि आप सीरियल्स वगैरह को आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा वेजिटेबल स्ट्रेनर, जो कि स्ट्रेचबल वाला होता है, और ना ये बहुत अच्छे से आप इसमें वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह धुल सकते हो। स्टेनलेस स्टील का बना है, जो आपको काफ़ी ज़्यादा मजबूती में मिल जाएगा। वॉल हुक आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे, ये मैग्नेटिक वॉल हुक है जिसे आप अपने किचन में, बाथरूम में, कहीं भी जाके चिपका के काफ़ी आसानी से यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको मेकअप पाउच बैग दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा बेटर है, जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हो उसके लिए डिब्बा ले जाना पड़ता है, सो काफ़ी सारी चीज़ें रखनी पड़ती हैं बैग में, उसके लिए आप स्पेस सेविंग के लिए आप ये पाउच ले सकते हो जो कि बैग के टाइप की बनी है। उसके बाद ये है कैंपिंग एंड पिकनिक बास्केट, बहुत ज़्यादा बढ़िया है, इसमें हैंडल भी दिया रखा हुआ था, इसमें काफ़ी सारी आप खाने पीने की सामान लेकर पिकनिक वगैरह में जा सकते हो। ये ना वाटर प्रूफ होती है, जिसके साथ आपको हैंडल भी दिया रहता है, सो आप इसे ईजिली से पकड़ भी सकते हो। रोटेटिंग नाइफ होल्डर आपको प्लास्टिक का बना हुआ मिल जाएगा, आप जिसे जैसे भी चाहें रोटेट कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी स्पून या फिर आपको नाइफ वगैरह रखना है तो आप रख सकते हैं, चॉपिंग बोर्ड के लिए भी इसमें स्पेस दिया रखा है, सो आप वो भी रख सकते हो। बॉडी स्क्रबर ब्रश दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लग्जरी ब्रश है, जो कि आपको अमेज़ॉन पर ही मिलेगा, और इसमें आपको कलर्स भी मिल जाएंगे जिसे आप अपनी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा स्क्रब कर सकते हो। ये रोटेटिंग वाला ब्रश है जिसे आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छे से मूव हो रहा है ब्रश वगैरह, सो बॉडी वगैरह जो है काफ़ी अच्छे से इससे साफ साफ क्लीन हो जाती है। एंड इसका लिंक भी मैंने डाल दिया, अगर आप लेना चाहो ये प्रोडक्ट तो आप ये जाके ले सकते हो, और ये ना आपको डिस्काउंट पर भी मिल जाएगा। एंड घर डेकोरेशन के लिए आप फ्लावर पॉट स्टैंड ले सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है, वुडन का बना हुआ है, जिसमें चार लेयर हैं, चार लेयर्स में आप पॉट वगैरह अच्छे से रख सकते हो, फ्लावर पॉट वगैरह, और किसी भी घर के कोने में रख दो को तो काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटिव भी लगता है। हल्की ड्यूटी टक का है, जो कि आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा, और लिंक भी मैंने शेयर कर दिए। उसके बाद आपको हेयर पिन दिखा रही हूँ, पोनी टेल चोटी करने के बाद आप ये बहुत अच्छे से क्लिप वगैरह लगा सकते हो, काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटिव भी लगता है, और जो आपने रिबन लगाया रखा होता है ना वो दिखता भी नहीं है, सो काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग वाला आपको मिल जाएगा। यहाँ मैं आपको लाइट वेट फुट स्पा बकेट दिखा रही हूँ, फोल्डिंग वाली है, जो कि प्लास्टिक में बनी हुई होती है, फुट का स्पा करने के लिए आप अमेज़ॉन से ले सकते हैं, और इसके कलर वगैरह भी मिल जाएंगे, जो कि आप बेड वगैरह सोफा वगैरह पे बैठे ही बैठे आप अपने पैरों का स्पा कर सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा बेटर है, जो कि आपको फोल्डिंग वाली प्लास्टिक की बनी हुई मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर क्रॉकरी का सेट आपको बहुत ही प्यारा सा दिखा रही हूँ, काफ़ी लेटेस्ट कलेक्शन का आपको अमेज़ॉन पर देखने को मिल जाएगा। इसके साथ आपको हैंडल भी
दिया हुआ है, सो आप हैंडल वगैरह भी पकड़ सकते हो, ढक्कन वगैरह बाकायदे इसमें लगा हुआ है। वॉल फोम में स्टिकर दिखा रही हूँ, घर की दीवारों को सजाने के लिए आप ये वॉल फोम स्टिकर्स ले सकते हो। वॉलपेपर बहुत ज़्यादा बढ़िया होते हैं, काफ़ी अच्छे से आप इजीली से इसे चिपका सकते हो, इतनी जल्दी छूटते भी नहीं है, और दूसरी बात की वाटर प्रूफ होते हैं जो कि आपको अमेज़ोन पर मिल जाएंगे, लिंक भी मैंने शेयर कर दिया है। आप इसे सेट में लेना चाहो तो सेट में ले सकते हो, सिंगल भी आपको मिल जाएगा कहीं थोड़ी जगह पर अगर लगाना हो तो। 5 ब्लेड्स की बनी हुई आप काफ़ी अच्छी सीजर ले सकते हो, अच्छी क्वालिटी में आपको स्टेनलेस स्टील की मिल जाएगी, जैसे वेजिटेबल्स है, चिली है, ये सब काटने के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजिली रहेगा, और ज़्यादातर जो हरी सब्जियां होती हैं उसे काटने में दिक्कत होती है, सो आप ये वाली ब्लेड ले सकते हो सीजर, जो आपको अमेज़ोन पर मिल जाएगी। उसके बाद मैं आपको नाइफ दिखा रही हूँ जो कि वॉल पर आप टांग सकते हो, पूरा होल्डर नाइफ वगैरह टांगने के लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, जो कि आप किचन वगैरह में लगा के अच्छे से टांग सकते हैं। और नीचे की साइड में जो हैंगर टाइप की दे रखी है ना, उसमें आप स्पैचुला हो गया, कंचल वगैरह हो गया, स्पेस सेविंग के लिए आप इसे भी उसमें टांग सकते हैं। और ये है लोड बेयरिंग हुक, जैसे कि आप अलमीरा वगैरह में कार्डबोर्ड लगाते हो, उसके लिए लोड लेने के लिए, सपोर्ट लेने के लिए आप ये वाला क्लिप ले सकते हो, जो कि आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा, और लिंक भी मैंने शेयर कर दी है। उसके बाद मैं आपको डाइनिंग टेबल का सेट दिखा रही हूँ, बहुत ही प्यारा सा, काफ़ी सिमरी वाला आपको यहाँ पे डाइनिंग टेबल का सेट मिल जाएगा, पिकल्स वगैरह रखने के लिए, जैम रखने के लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। और आपको बाथरूम के लिए कॉर्नर रैक दिखा रही हूँ, जो कि बना हुआ है मेटल का, और ये काफ़ी लॉन्ग वाला होता है, इसमें 4 लेयर हैं, 4 लेयर्स में आप बॉटल, स्क्रब, ये सब चीज़ें रख सकते हो, बाथरूम की जितनी भी चीज़ें होती हैं। 5 सेल का आपको ड्रॉअर ऑर्गेनाइज़र मिल जाएगा, जैसे कि आप अपने अलमीरा वगैरह में लगा सकते हो, इसमें 5 सेल्स हैं, 5 सेल्स में आप पैंटी हो गया, सॉक्स हो गया, ये सब छोटी छोटी चीज़ें रख सकते हो, बहुत ज़्यादा बेटर है, जैसे कि आप वार्डबोर्ड में लगते हो उसमें मिक्स हो जाता है, सो आप ये 5 सेल का ऑर्गेनाइज़र ले सकते हो, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, आगे पीछे हो जाता है, सो आप अपने अलमीरा वगैरह में इसे लगा सकते हैं। 4 फुट पैड्स आपको मिल जाएगा, जैसे आप बड़ी बड़ी हील्स पहनते हो ऊँची ऊँची, सो उससे पेन रिलीफ करवाने के लिए आप ये वाले पैड्स ले सकते हो, बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है, इलास्टिक टाइप के होते हैं, एंड आपका ना इसको साइज़ भी मिल जाएगा बढ़िया सा। उसके बाद मैं आपको कॉर्ड ऑर्गेनाइजर दिखा रही हूँ, जैसे जूसर मशीन हो, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, जो तार वगैरह होते हैं, सो आप उसे ऐसे वैसे डाल लेते हो तो वो कट जाते हैं, उसके लिए आप ये कॉर्ड ऑर्गेनाइजर ले सकते हो, जिससे कि आप लपेट के तार को आराम से लगा सकते हैं उसी में। 3 कंपार्टमेंट का क्लॉथ ऑर्गेनाइजर दिखा रही हूँ, अलमीरा टाइप की बनी है 3 कंपार्टमेंट की, इसमें आप बड़े बड़े कंबल, छोटे बड़े जो भी कपड़े होते हैं इसमें आप रख सकते हो। उसके बाद घर की सामान भी आप इसमें रख सकते हो, जैसे कि पॉलीथीन हो गई, या फिर आपको छोटी बड़ी मशीन वगैरह रखने हैं ना, तो आप इस कंपार्टमेंट में रख सकते हो, 3 का कंपार्टमेंट है जिसमें बहुत ज़्यादा जगह भी होती है। उसके बाद मैं आपको फोल्डेबल आयरनिंग टेबल दिखा रही हूँ, बहुत बढ़िया है, प्रेस करने के लिए आपको ये पूरा मिल जाएगा, जिसमें ना बहुत अच्छे से आप प्रेस कर सकते हो कपड़ों को रख के, और ये फोल्डिंग वाला होता है, सो यूज़ करने के बाद आप इसे फोल्ड करके वापस भी रख सकते हो। पिल ऑर्गेनाइज़र आपको मिल जाएगा, कहीं भी आप ट्रैवलिंग में जा रहे हो तो आपको बड़ी बड़ी सीसियाँ पैकेट्स लेके जाना पड़ता है, उसके लिए आप ये पिल ऑर्गेनाइज़र ले सकते हो, बॉक्स छोटा सा है जिसमें आप काफ़ी सारी पिल्स को रख सकते हो, अलग अलग सबके ब्लॉक्स बने हुए हैं। उसके बाद मैं आपको पेट्स ग्रूमिंग ब्रश दिखा रही हूँ, जैसे पेट्स वगैरह हैं उसके आप बाल साफ़ करने के लिए ये वाला ब्रश ले सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है, इस पर आप बहुत ब्लेड्स टाइप का दिया हुआ होता है, सो आप ये वाला ले सकते हो। एंड यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कॉर्नर बाथरूम कैबिनेट, सो आप बाथरूम के कॉर्नर में लगाने के लिए कैबिनेट ले सकते हो, जिसमें आप बहुत ज़्यादा सामान रख सकते हैं। टिशू होल्डर आपको मिल जाएगा, वॉल हैंगिंग टिशू होल्डर है, आप इसमें 2 का सेट दिया हुआ है, मतलब 2 स्टेप दिए हुए हैं, जिसमें आप अपने टिशू वगैरह या फिर किचन की जो भी सामान होती है ये सब आप टांग सकते हो। उसके बाद स्पाइसेस के भी इसमें आप सीसीआर रख सकते हो, ऊपर की जो खाली स्पेस है। यहाँ मैं आपको टूथब्रश होल्डर दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा लग्जरी वाला आपको मिल जाएगा, जो कि प्लास्टिक का बना हुआ होता है, इसे आप अपने बाथरूम वगैरह में लगा सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है, और इसमें आपको पूरा सेट मिल जाएगा, जिसमें आप ब्रश के साथ साथ टूथपेस्ट भी रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको फूड कवर टेंट दिखा रही हूँ, अम्ब्रेला टाइप का बना है, सो आप फूड कवर करने के लिए, मक्खियों से बचाने के लिए, डस्ट से बचाने के लिए आप ये वाला अम्ब्रेला ले सकते हो, जो कि फोल्डिंग वाला आपको मिल जाएगा, नेट का बना हुआ। उसके बाद यहाँ आपको इलेक्ट्रिक फ्लाई ट्रैपिंग दिखा रही हूँ, जैसे घर में बहुत ज़्यादा मक्खियाँ हो जाती हैं, उसके लिए आप ये इलेक्ट्रिक का फ्लाई ट्रैपिंग ले सकते हो, इसमें जितनी भी घर में मक्खियाँ लगती हैं ना सब कैद हो जाती हैं, और ये आप कहीं भी जाके डाल सकते हो। मशीन कवर करने के लिए आपको पॉली बैग्स दिखा रही हूँ, जैसे वॉशिंग मशीन हो गई, जूसर मशीन हो गई, इन सबको कवर करने के लिए आपको ये पॉली बैग्स मिल जाएंगे, ये डस्ट से बचाती हैं, गंदगी से, इससे ना मशीन वगैरह गंदी भी नहीं होती और काफ़ी ज़्यादा कवर रह के सेफ भी रहती है। एंड यहाँ मैं आपको अंडर आर्म स्वेट
पैड दिखा रही हूँ, जैसे कि अंडर आर्म स्वेट बहुत ज़्यादा आता है, सो उसके लिए आप ये वाला पैड्स ले सकते हो। इसमें ना दाग वगैरह भी नहीं पड़ते, सफ़ेद कपड़े के लिए तो बहुत ज़्यादा बेटर है, जो कि आप गर्मियों में ज़्यादातर इसका यूज़ कर सकते हो। और ये ना वाटर प्रूफ होते हो, सो आप इसे ये ले भी सकते हो। राइस ड्रेनर आपको बहुत बढ़िया सा मिल जाएगा, राइस धुलने पर, जाल धुलने पर जितना भी मटेरियल ना है वो गिर जाता है, सो आप ये वाला राइस स्पून ले सकते हो, जो कि प्लास्टिक का बना हुआ होता है, इससे ना राइस वगैरह धुलने पे गिरता नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको फोल्डिंग वाला वाटर ऑर्गेनाइजर मिल जाएगा, जो कि बॉटल है बहुत अच्छी सी प्लास्टिक की बनी हुई, इसमें कैप भी दे रखी है, सो इसमें आप आराम से पानी वगैरह निकाल सकते हो और हैंडल से आप इसे पकड़ के कहीं भी ले जा सकते हो। एंड गाइज, मैं यहाँ पे आपको मेकअप ऑर्गेनाइज़र बॉक्स दिखा रही हूँ। बॉक्स बहुत अच्छा है, जिसमें ना तीन कंपार्टमेंट बने हुए हैं, अलग अलग टाइप में आप इसमें खूब सारा मेकअप रख सकते हो। साथ में आपको LED लाइट दे रखी है, जिससे कि आप अपने मेकअप करने के टाइम इसे ऑन कर सकते हैं। रिमोट कवर आपको सिलिकॉन का बना हुआ मिल जाएगा, सेव करने के लिए आप रिमोट को ये ले सकते हैं, जैसे कि रिमोट बहुत ज़्यादा बार गिर जाता है तो वो टूट जाता है, उसके लिए आप ये वाले कवर ले सकते हैं। और ना ये बहुत ज़्यादा इलास्टिक टाइप के होते हैं, जो कि आप सेप में भी ले सकते हो। डोर स्टॉपर आपको मिल जाएगा, डोर वगैरह खोलने के टाइम भी अगर आप स्टॉप करना चाहते हो तो आप इसे डोर स्टॉपर ले सकते हो, जो कि आपको काफ़ी बढ़िया प्राइस में मिल जाएगा। इसे ना बाहर की जो वो खोलना कोई चाहे ना तो वो खुलता नहीं है। और यहाँ पे आपको फ्रिज डोर लॉकर दिखा रही हूँ, जिससे फ्रिज वगैरह खुल जाती है, सो आप ये फ्रिज डोर लॉकर ले सकते हो। इससे चाहे जितना टाइट करना हो आप इसे टाइट करके आराम से चिपका सकते हो, बहुत ज़्यादा बढ़िया है उसे, और चिट करने पे आप इसे आराम से फ्रिज वगैरह को खोल भी सकते हैं। प्रॉन पीलर टूल आपको मिल जाएगा, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ टूल होता है, जो कि आप प्रॉन वगैरह को अच्छे से साफ़ करने के लिए ले सकते हो अमेज़ॉन पे, और जिसका लिंक भी मैंने डाल दिया है, आप चाहें तो वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। और ये आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में भी मिलेगा। अलमीरा वगैरह के लिए आपको यहाँ पे वार्डबोर्ड पार्टीशन रैक दिखा रही हूँ, जिसे आप रैप करके आराम से लगा सकते हो अपने वार्डबोर्ड में, क्लॉथ वगैरह लगाने के लिए, स्पेस सेविंग के लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। सो गाइस, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल की न्यू धमाकेदार वीडियो के साथ। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियोज़ आपको ऐसे रोज़ मिला करें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।